अच्छा दोस्तों, अब मैं मतलब वलीमे के लिए फुल तैयार वगैरह हो गया हूँ। चार चीजों से पैदा किया है, आग, मिट्टी, पानी, हवा, रूह तो है जिसमें अवतार हुई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर व्लॉग, और मेरी उम्मीद है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी हैं वो अल्लाह पाक की हिफ्ज व अमान में रहें। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं इसी फजल से और करम से। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है वो सबसे पहले फॉलो कर लें। मिलते हैं आज की मज़ेदार वीडियो में। और अभी मैं दोस्तों पहुँचा हूँ रिजवान के घर, और अभी रिजवान और मैं जा रहे हैं शादी पे, यानी वलीमे पे। आज उनकी बारात भी है और वलीमा भी है, वो है हमारे गांव में है शादी। रिजवान का ये दोस्तों घर है, मैं आपको दिखाऊं। ये है रिजवान का घर, और बाहर इधर बाहर चार भाई वगैरह निकले हुए, और रिजवान अंदर कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो कि आज की हमारी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रह जाना। और अभी दोस्तों मैं लगा रहा हूँ यहाँ से परफ्यूम रिजवान के घर से। मैंने कहा यार परफ्यूम है तो मुझे दिखा, घर नहीं जाना है, बस अभी देर हो जाए क्योंकि वलीमे आए दोस्तों 6:30 बजे, और टाइम अभी हो रहा है 6:10 हो रहे हैं। बस परफ्यूम वगैरह लगा लूँ, लगाने की चेंज वगैरह। रिजवान ने भी कपड़े वगैरह कर लिए हैं। अच्छा दोस्तों, ये रिजवान के घर है, और यहाँ पर रिजवान ने मुर्गियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं। ये देखो रिजवान, इनको कुछ डाल तो सही यार, ये इनकी मतलब जो बाजरी, मैं इसको डाल दूँ। रिजवान तो नहीं डालते हैं ना ये लोग, ये बाहर ना निकल जाएँ। हाँ हाँ, बस मैंने डाल दी हैं। अब 1, 2, 3, 4, 5 हैं दोस्तों ये मुर्गियाँ। रिजवान, ये अंडे देती हैं? अभी बच्चे हैं। अच्छा, यानी ये बाजरी ऐसे जाओ कर रहे हैं, अंडे देती तो फिर तो ठीक। हाँ तो ये अब कितनी बाजरी दिन की दोस्त, अगर 50 रुपये की भी खाएँ तो महीने की 1500 बन जाता है, अंडे देती। और ये है रिजवान के घर की दोस्तों अंदर से अंदर की लुक, मैं आपको देखो। ये है सीढ़ी, ये ऊपर जा रही है, और ये अभी रिजवान पानी वगैरह पी रहे हैं, और यहाँ पर ठहरे हुए फ्रिज वगैरह। और इंशाल्लाह हमने घर में दोस्तों बनाएंगे अब बहुत जल्दी, क्योंकि कल ना परसों वाला दिन है 14 अगस्त, और उस दिन मतलब हम कोई वगैरह काम नहीं करें। इंशाल्लाह मतलब 15 अगस्त को हम ना रिजवान के घर बनाने वाले हैं बिरयानी, वो हम खुद। आप लोगों ने झंडा वगैरह नहीं लगाया अपने घर के ऊपर? नहीं तो यार ये इनके घर में लगे हुए हैं, लेना कल लेंगे। हाँ कल लेंगे, कल लेंगे झंडा। हैं रिजवान ने कहा है कि ऐनक पहनते हो, देखते हो इनके। 2, 3, गो। दोस्तों कैसे लग रहा हूँ, अभी मैंने खुद नहीं देखा है, देखता हूँ। ओहो माशाल्लाह, नाइस, अच्छा लग रहा हूँ, माशाल्लाह अच्छा लग रहा हूँ। तो कमेंट्स में लाजमी माशाल्लाह, माशाल्लाह लाजमी कमेंट्स में आप लोगों ने लिखना है अगर अच्छा लग रहा हूँ तो। रिजवान आज दोस्तों, अभी हम लोगों ने दुकान वगैरह बंद कर दी है, अभी वलीमे पर मिलते हैं फिर वलीमे। अच्छा दोस्तों, अब मैं मतलब वलीमे के लिए फुल तैयार वगैरह हो गया हूँ। वहाँ से मैंने घर बाबा को छोड़ा है, और रिजवान ये ठहरा है, और हमारे साथ ये अमार जा वलीमे पर। वलीमे पर जाने के बाद ही आपके साथ मिलते हैं, क्योंकि टाइम था 6:30 बजे का, अब टाइम हो गया है 6:40 हो रहे हैं, मतलब टाइम 10 मिनट ऊपर हो गए। ये ना फिर हम जाएँ आगे वलीमे वगैरह सब चीज़ों। अच्छा दोस्तों, काफ़ी देर के बाद हम पहुंच गए हैं वलीमे पर। दोस्तों अभी हम खाना वगैरह खा रहे हैं, और ये रिजवान बैठा है। दोस्तों काफ़ी देर के बाद हमने खाना वगैरह खा लिया, अब रिजवान है और उमर और अमार बैठा है, ये दोनों बिरयानी खा रहे हैं, उसके बाद हम वापस जा रहे हैं।
दोस्तों आज काफ़ी सारी ज़्यादा टाइम हो गया है क्योंकि हम आए थे 6 बजे और टाइम हो रहा है 7:46। पूरे 2 घंटे लगे दोस्तों वलीमे के बाद यहाँ पर इनके कुछ लाइटिंग वगैरह आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात को वलीमे से फिर वापस आ गया था और अभी सुबह सुबह मैं आया हूँ अपनी फसलों में। अल्हम्दुलिल्लाह आज है 13 तारीख और कल होगा 14 अगस्त और मैंने मतलब आज से 10 दिन पहले बनाई थी इस अमरूद पर वीडियो वगैरह कि हमारा उस वक्त बिल्कुल ये अमरूद बिल्कुल छोटे थे, आज बिल्कुल बड़ा हो गया। मैंने कहा चलो सुबह सुबह जाके अमरूद भी खाते हैं। गिरा पड़ा फुल नीचे गिर गया, ये मतलब जो इसकी सपोर्ट थी ना ऊपर से उस दरख्त के साथ ये फोल्ड हुआ था लेकिन वो टूट गया हवा की वजह से अभी नहीं। अच्छा दोस्तों दुकान पर हैं और हमने जाना था कुलखाने पर, अभी आए हैं हम कुलखाने पर। रिजवान और मैं और मोहसिन की आवाज भी सुनता है वो, और जब ये चले जाते हैं हमारा तरीका ये है जैसे हमारे पास सामने हो गया चले जाते हैं फिर फरिश्ते कुलखान के बिठाते हैं। हाँ सवाल जवाब के अब इस बात का मतलब है उठ के बैठ जाता है। इंसान रूह और जिस्म का मजमुआ है, इंसान का जिस्म अनासर अरबा से 4 चीजों से पैदा किया है, आग मिट्टी पानी हवा। रूह तो है जिस्म में बहुत तारी हुई और रूह वापस भी आ सकती है, अगर अल्लाह ने पहले डाल दी तो अब तो कोई मुश्किल है। आप किसी जगह को कहो है तो कोई मुश्किल नहीं है, बनी हुई चीज है बरासत हो चुका है। अब वो फरिश्ते उससे उठा के बिठाते हैं, उठ के बैठ जा। अब वो जो उठाते हैं जो नमाजी है वो देखता है कि सूरज गुरु हो रहा है, कहता है ठहरो मुझे नमाज कजा हो रही है, मुझे नमाज पढ़ने दे। मुबारक को नमाजी हो आपको, हाँ वहां फरिश्तों को कहेगा ठहराओ मेरी नमाज कजा हो रही है। फरिश्ते जवाब देंगे नहीं, नमाज पढ़ने के लिए तुझे दुनिया में भेजा था, अब हमारे सवाल का जवाब दे। मन रखो का तेरा रब कौन है, अपनी मर्जी नहीं चलानी, रब की मोहब्बत दिल में रखनी है, अल्लाह के रसूल की दिल में मोहब्बत रखनी है, आलो और सहाब की मोहब्बत दिल में रखनी है। हाँ ये नबी पाक की बरकत से सुने जी। फिर पूछा जाता है मत रखो का मादीनों का तेरा दीन क्या है, मादीनों का तेरा दीन क्या है, दीन इस्लाम। अच्छा दोस्तों हम कुलखाने से वापस आ गए थे अपनी दुकान पर और मैंने अपने व्लॉग में आपको 2 चीज़ें दिखाई हैं। कल मैं गया था वलीमे पर और आज हम सुबह गए थे कुलखाने पर, और कमेंट्स में आप लोगों ने सब हमारे इधर ही गली का एक मोहल्लेदार था वो फौत हो गया है और अल्लाह पाक उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आप लोगों ने आमीन कमेंट्स में लाजमी लिखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप सब लोग मेरे चैनल को फॉलो कर लो। जिन भाइयों ने अभी तक फॉलो नहीं किया वो सबसे पहले फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सब लोग अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना।